और चलिए अब हो जाइए सवार हमारे साथ फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में और कीजिए सेट्स की सैर। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां कार्तिक का तिलक हो रहा है। नायरा और कार्तिक का तिलक है जिसमें लेडीज अलाउड नहीं होती, पर ट्विस्ट ये है कि हम लोग सब लोग पहुंच जाते हैं, वो लोग बीइंग सो हम्बल हमें बोलते हैं कि चलिए कोई बात नहीं आप आ जाइए। घर में खुशी का माहौल है और अभी अभी वापस लौटे नक्श रस्म निभा रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है हमारे बहू रजनीकांत का सेट, जहां रजनी ने ट्रक खींचने की कंपटीशन जीत ली है। बीच में उसकी बैटरी जरूर डाउन हुई और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन रजनी ने खुद को धाकड़ बहू साबित कर दिया और लीजिए रजनी को मिल गया ये इनाम भी। पर्दे में छुप कर आ गई इनाम वाली भैंस, उसे मिलती है एक मूडी भैंस। जो आदमी ओरिजिनली ये देने वाला होता है कैश प्राइस, वो बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है एक था राजा एक थी रानी का सेट, जहां राजा के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कभी रानी को प्यार करता है तो कभी उसके चेहरे पर रानी से बदला लेने वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं। राजा की हालत वाकई किसी दीवाने सी हो गई है। अचानक एक बदलाव आया है मेरे किरदार में और मैं एक साइको की तरह एक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब आदमी सब कुछ खो देता है ना, उसके पास खोने को और कुछ बचता नहीं है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम ब्लंट होके आंखों में देख के मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। साइको सटक गई मेरी। अब देखते हैं राजा को इस दिमागी बीमारी से रानी कैसे बाहर निकालती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, जो है नामकरण का सेट, जहां दयावंती अवनी के भाई को लेकर जा रही है और मासूम सी अवनी अपने भाई को वापस लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। ये मैं भाग रही थी मिसेस दयावंती मेहता, मारूंगी एक पंच मिले तो। अरे मेरे भाई को मुझसे छीन के लेके जा रही है। आशीष का नया बच्चा जो पैदा हुआ है, उसने ठान लिया है कि मैं इस बच्चे को मेरे घर में ले जाऊंगी, क्योंकि इसका असली बाप जो है वो जिंदा है अभी तक। चलिए अब चलते हैं इश्कबाज के सेट पर, जहां अनिका की आंखों में आंसू हैं और साथ में टिया और श्वेतलाना भी खड़ी हैं। दरअसल अनिका को लगता है कि ये दोनों मिलकर शिवाय को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये सीन आने वाले एक प्रोमो शूट का है। अब आपको दिखाते हैं कि कहानी के सीन में क्या चल रहा है। नकुल अपने घर की सिक्योरिटी को लेकर काफी परेशान है और उसे लगता है कि घर में जो भी गड़बड़ी हो रही है उस सब के पीछे सिक्योरिटी ही जिम्मेदार है। ओबरॉय मेंशन की सिक्योरिटी का तो जवाब आपको पता ही है। ऑनेस्टली आई थिंक हम लूपहोल्स देख रहे हैं यार, क्या हो रहा है, जो रायता फैला है घर में, कौन है उसके पीछे, वी ट्राइंग टू फिगर आउट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही सास बहू और साजिश की फटाफट रेलगाड़ी वापस आएगी और आपको कराएगी कुछ और सीरियल्स के सेट की सैर। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।